रिपोर्ट से गुस्से में योगी मंत्रियों पर काल। मोदी शाह दंग कटेगा, बड़े बड़े मंत्रियों का पत्ता। योगी के फैसले से केशव भूपेंद्र चौधरी के उड़े होश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ भूपेंद्र चौधरी के रिपोर्ट से सीएम योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में सीज फायर की स्थिति दिख रही है, जिससे अब योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। ये फैसले न सिर्फ दिल्ली को हिलाकर रख देंगे, बल्कि मोदी शाह को भी पूरा पूरा झटका देंगे, क्योंकि अब यूपी में कई मंत्रियों का योगी कैबिनेट में पत्ता साफ किया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो दिल्ली के करीबी तो हैं, पर योगी के लिए घातक बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि उनकी टीम का कोई भी नेता 2027 के चुनाव में अड़चन पैदा करे, जैसा कि लोकसभा चुनाव में बने। तो ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि यूपी में संगठन और सरकार दोनों में बदलाव दिख सकता है। योगी की टीम से कई बड़े चेहरों को हटाया जा सकता है। कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुश नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन से निचले स्तर पर भी बदलाव की चर्चा चल रही है। तो सूत्रों के हवाले से अब बदलाव की खबर आ रही है और जल्द ही ये फैसला भी हो जाएगा, यानी कि अब यूपी में बड़ा खेल होगा। ताबड़तोड़ तरीके से नाकाम नेताओं का पत्ता साफ किया जाएगा। वहीं बात करें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, तो उन्होंने हार की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दिया है। वो पार्टी के लिए ही काम करेंगे, आलाकमान की तरफ से ऐसा निर्देश अभी उन्हें दिया गया है। लेकिन ये भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य ही हैं जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खेल करने की कोशिश की है। ये बात इसलिए साबित हो रही है कि दोनों ने यूपी में हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। 14 पन्नों की रिपोर्ट में हार का सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की गई, यूपी के उन मंत्रालयों पर फोड़ने की कोशिश की गई जिन्हें खुद योगी आदित्यनाथ संभाल रहे थे। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब चुप रहकर ही ऐसे ऐसे बदलाव करेंगे जिससे उन्हें हिलाने की कोशिश करने वाले खुद ही हिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से दिल्ली से छूट मिली है, तब से मौका पाकर पार्टी के तमाम लोगों ने नसीहतों की झड़ी लगा दी है। कई अपनी खुन्नस भी इस बहाने निकाल रहे हैं, कोई संगठन को कोस रहा है तो कोई सरकार को। तो ऐसे में माहौल खराब होता देख केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के नेताओं को समझा दिया है कि कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए, बेवजह की बयानबाजी भी बंद होनी चाहिए, और यही योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बवालियों को किनारे करने की कोशिश में जुट गए हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल होगा और तारीख तय की जाएगी। वो तारीख ही दिल्ली तक भूचाल मचाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के साथ ही प्रदेश संगठन ने भी कई मंत्रियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं, और ये मंत्री मुख्यमंत्री के अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं कर पाए हैं। कई मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी चुनाव हार गई है, चुनाव में भी कुछ मंत्रियों की भूमिका सही नहीं रही है, उनकी छुट्टी होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं प्रदेश संगठन में भी बदलाव होना है। चर्चा तो ये भी आ रही कि मौजूद प्रदेश अध्यक्ष यानी भूपेंद्र चौधरी को फिर से सरकार का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उनके इस्तीफे की पेशकश को केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार भी नहीं किया है। फिलहाल योगी सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है, उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव की हार का जो ठीकरा उनके सर पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब उपचुनाव में जीत के बाद देना चाहते हैं। और जल्द ही यूपी में बड़े सियासी फेरबदल की खबर सुनने को मिल सकती है। फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे उपचुनाव में जीत हासिल की जाए। इसके लिए बकायदा योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की टीम मैदान में उतार दी है, जिनके सर पर उपचुनाव की 10 सीटों में जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।